नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क। डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क। डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क, पहले समझते हैं वन जूल ऑफ वर्क क्या होता है। वर्क का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या हो जाता है, इसका वर्क का यूनिट होता है जूल। यहाँ आ गया जूल। फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो वन जूल वर्क कब होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर वन न्यूटन फोर्स लगा हो, वन न्यूटन फोर्स लगा हो, इस पे वन न्यूटन फोर्स लगा वन न्यूटन, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट वन मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वन मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। वन न्यूटन फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट पर और वन मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम बोलते हैं वन जूल वर्क हुआ है, वन जूल वर्क हुआ है। अब डिफिनेशन देखते हैं। आंसर, वन जूल ऑफ वर्क इज वन जूल ऑफ वर्क इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स ऑफ वन न्यूटन डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट बाई वन मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फिर से समझते हैं, वन जूल क्या होता है, वन न्यूटन फोर्स एक्ट किया और डिस्प्लेसमेंट हुआ वन मीटर। तो वन जूल क्या होता है, वन न्यूटन फोर्स लगा और वन मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट पे वन न्यूटन फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट वन मीटर डिस्प्लेस हुआ, तब हम कहेंगे कि वन जूल वर्क हुआ है। वन जूल ऑफ वर्क इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ ऑन एन ऑब्जेक्ट जब फोर्स ऑफ वन न्यूटन डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को वन मीटर से डिस्प्लेस किया है जिधर फोर्स लगा उस डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं वन जूल।